और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत कुछ जो एलिगेशन है, बहुत कुछ क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएंगे ऑलरेडी, जो शायद फ्यूचर में लगने वाले हैं। आपसे इस वीडियो में ये एक और चीज पूछता हूं मैं, क्या इस सिचुएशन में जहां पे भाई को मेरी जरूरत है वहां पे मैं हिसार जाऊं, हिसार जाके पापा को लेके आऊं, या मैं भाई का टेक केयर करूं? तो अभी आपको एक छोटा सा होम टूर दे देता हूँ जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस मिल जाता है जो कि बिल्कुल ओपन में है, कवर्ड पार्किंग नहीं है, बट ठीक है, यहाँ वेदर ठीक है, अभी फिलहाल सही है, बारिश वारिश होती रहती है। और ये वो मेडिकल फ्लैट है जो हमें मिला है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में हैप्पी होंगे। आई नो गाइज, आप कुछ वीडियोस का, पर्टिकुलर कुछ वीडियोस का वेट कर रहे हो, बट मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अभी फिलहाल मेरी प्रमोशन वीडियोस जा रही हैं जो आप देख पा रहे होंगे। अभी तक मेरा प्रॉपर कोई वीडियो नहीं आया है जो जिसको व्लॉग बोल सकते हैं या फिर एक Q&A वीडियो जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो अभी तक वो वीडियो नहीं आया है, डेफिनेटली वो वीडियो बहुत जल्दी आएगा। आपने इतना वेट कर लिया तो प्लीज थोड़ा सा वेट और कर लो। क्या होता है, काफी मतलब मार्केट बहुत गर्म हो चुकी है, हर दिन मैं अपने लिए एक नया रूमर सुन रहा हूँ, बट कुछ चीजें हैं ठीक है, डेफिनेटली क्लियर होएंगी, बिल्कुल क्लियर होएंगी, और उसमें मजा भी आएगा जब सबको गलत साबित करेंगे ना, तो डेफिनेटली उस जीत में बहुत बहुत मजा आएगा। तो बस अभी के लिए मैं फिलहाल इतना ही बोल रहा हूँ। अभी मेरी कुछ प्रमोशन वीडियोस हैं और मैंने सोचा कि आपको एक होम टूर विजिट करवा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे हम रुके हुए हैं दिल्ली में। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अभी दो तीन दिन पहले की बात है, दो तीन दिन पहले पापा हिसार चले गए हैं, मुझे बिना बताए गए हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ, पापा का जो फोन है वो यहीं पे छोड़ के गए हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे बता के नहीं गए हैं, क्योंकि पापा की और मेरी टाइमिंग कुछ ऐसी होती है, मैं जिस टाइम पे हॉस्पिटल में होता हूँ पापा यहाँ पे होते हैं, पापा वहां पे होते हैं तो मैं यहाँ पे होता हूँ या फिर नहाने आता हूँ, मतलब ऐसे चलता रहता है। तो मैं जब जिस टाइम पे घर पे आया तो पापा यहाँ पे नहीं थे, और अभी उसके पीछे के कुछ रीजन बता देता हूँ मैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, भगवान कसम खा के बोलता हूँ, मुझे गलत साबित कर देना, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं वहां से, हो सकता है इस आर से कोई एलिगेशन लगाए, बट मैं उससे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अभी क्या हुआ था, 7 अगस्त को भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन से अभी तक का जो दिन है ठीक है, नहीं बर्थडे से पहले की बात है, तब तक पापा ने कुछ भी ऐसी चीज नहीं की थी, कोई ड्रिंक नहीं ली थी, कुछ भी नहीं, सब कंट्रोल में था, कसम से बोल रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं की थी। लेकिन जब दिल्ली में भी आए हुए, हमें शायद दिल्ली में हम 22 तारीख को आए थे, 22 तारीख के बाद से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट जब ये लोग हिसार से आए थे, पर्टिकुलरली जो फैमिली मेम्बर हैं वो आए थे, उस दिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, नेगेटिविटी आई या कुछ भी लगा लो, अब मैं रीजन नहीं जानता, हो सकता है उसको, एक इंसान होता है जो हैबिचुअल होता है कुछ चीजों का, उसको बहाने चाहिए होते हैं कि किसी भी चीज को शुरू कंटिन्यू करने के, कि एंजाइटी का नाम देखे या कुछ भी, हो सकते हैं सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो वही चीज हुई, जिस दिन ये लोग आए थे हिसार से यहां आए थे, उसी दिन जिस दिन मैं घर पे गया ना रात को, उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि पापा ने ड्रिंक करी हुई थी, और उसके बाद मैंने एक दिन के लिए पापा को बोल दिया ठीक है, पापा ने बोला मुझे एंजाइटी हो रही थी, टेंशन हो रही थी, वो लोग आए यहाँ पे और ये सब चीजें करी, बिना बताए आए थे, पापा को लगा कि अब लड़ाई झगड़ा होगा, ये वो बोले, मेरे को भी नहीं बता के आए थे, किसी को नहीं बताया था उन्होंने, तो ये सब चीजें थी। तो मैंने पापा को बोल दिया ठीक है अब आगे से मत करना, वो दिन था। और एक दिन पापा ने एक्सक्यूज बनाया था मेरे बर्थडे का, बर्थडे पे उन्होंने बोला कि आज तेरा बर्थडे है तो बस टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैंने बोल दिया ठीक है इट्स ओके। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज डाली जा रही थी, मेरी जान को खतरा है, ऐसे ऐसे कुछ बोला जा रहा था। तो वो अगर कोई भी YouTube पे देखेगा, कोई फादर देखेगा, कोई भी कम्युनिटी या कुछ भी ऐसी चीज, तो ऑब्वियसली वो ये चीज चाहे उनके लिए वो कंटेंट हो डेफिनेटली, क्योंकि एक्शन कोई किसी ने नहीं लिया है, हो सकता है वो कंटेंट ही बनाया जा रहा हो, बट जो फादर देख रहा है वीडियोस या फिर जो भी चीजें कम्युनिटी देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको टेंशन होगी। और पापा यहां से चले गए हैं, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मुझे भी बिना बताए गए हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं, पापा वहां गए हैं हिसार ही, मुझे वो वीडियो से ही पता चला। अब मैं बस इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ये चीज कि मेरी भी अवेयरनेस में वो चीज नहीं है, मुझे नहीं पता था कि पापा गए हैं, मैंने नहीं भेजा है कभी भी। अब हो सकता है वो बहुत झूठ बोलेंगे, बहुत झूठी झूठी वीडियोस बनाएंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, जहां इतना टाइम वेट कर लिया, बहुत वीडियोस आएंगी। मैं सच बोले बिना जनरली एक बार बताऊं, YouTube भी नहीं छोड़ूंगा और मैं मरूंगा भी नहीं सच में, जिस दिन मतलब साबित नहीं किया ना इस इंसान को, जो इसने झूठ बोले एलिगेशन लगाए हैं, उससे पहले मैं सच बता रहा हूं मर भी नहीं सकता, बस इतना विश्वास कर लेना। तो अभी एक बार वापस मेरे को हॉस्पिटल जाना है, थोड़ी सी देर के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अभी एक बार मैं बस जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। और आप सब जानते हैं दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, और अभी वेदर भी कैसा चल रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्किन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो अभी एक बार स्किन को मॉइस्चराइज कर लेते हैं। सो गाइज, दिस इज माई डेली मॉर्निंग रूटीन। एज आई एम हैविंग ऑयली स्किन,
I use Mama Earth Beetroot Hydra Full Moisturizer with beetroot and hyaluronic acid. But before that, I use Mama Earth Beetroot Gentle Face Wash with beetroot and hyaluronic acid. As this beetroot gentle face wash contains beetroot and hyaluronic acid, this is for hydrated pink glow. This is made safe, this is soap free and suitable for all type of skin. This face wash cleanses gently to give hydrated pink glow, and this is made certified and suitable for everyday use. And the best thing is Mama Earth listens. They continuously enhance products through your feedback and research. Share your thoughts to help them improve. After washing my face, I use Mama Earth Beetroot Hydra Full Moisturizer with beetroot and hyaluronic acid for hydrated pink glow. This is made safe, contains oil-free formula. It hydrates your skin for 48 hours. This moisturizer instantly hydrates your skin to give pink glow. Also, this has goodness of beetroot and hyaluronic acid. It has lightweight and gel texture. After using them together, you will definitely see the results and you will get hydrated pink glow. तो गाइस यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. आपने बिफोर लुक भी देख लिया था, अभी आफ्टर लुक भी देख लीजिए. नाउ माय स्किन इज कम्प्लीटली मॉइस्चराइज्ड और अभी आपको फेस पे भी अच्छे से कम्प्लीट पिंक ग्लो दिखाई दे रहा होगा. तो अगर आपकी भी स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है वेदर की वजह से, तो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा. और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट सेफ हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स. इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जाता है, दे ऑल आर नेचुरल. और उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और उसके साथ साथ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है. दैट मीन्स जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा प्लास्टिक को ये रिसाइकिल करते हैं. और इनके कुछ गुडनेस है, प्लांट गुडनेस, लाइक मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन तक प्लांट्स को लगाना. तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके ऑर्डर के साथ ही एक प्लांट को अटैच करते हैं और उसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं. और मामा अर्थ की एक और खास बात है, जो भी आपके सजेशंस होते हैं मामा अर्थ उनको फॉलो करता है. जैसे अपने प्रोडक्ट्स में कुछ भी इंप्रूवमेंट करते हैं, आपके सजेशन मिलते हैं, तो उनमें डेफिनेटली आपको चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं. मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट आप मल्टीपल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, लाइक Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple, First Cry, मामा अर्थ की वेबसाइट और mamaearth.in से. और उसके साथ साथ अभी आपको मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स आपको आपके नियर बाय ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल मिलते हैं. तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट देखने को मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. और जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो वहां पे आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि है Ankur2024, जिससे आपको 20% तक एक्सटर्नल डिस्काउंट देखने को मिलेगा. तो गो फॉर इट गाइस. तो चलो गाइज, अभी आपको एक छोटा सा मिनी होम टूर दे देता हूँ जहाँ पे हम रह रहे हैं. आई होप आपको पसंद आएगा. तो अभी आपको एक छोटा सा होम टूर दे देता हूँ जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं. यहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस मिल जाता है जो कि बिल्कुल ओपन में है, कवर्ड पार्किंग नहीं है. बट ठीक है, यहाँ वेदर ठीक है, अभी फिलहाल सही है, बारिश वारिश होती रहती है. और ये वो मेडिकल फ्लैट है जो हमें मिला है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ. ये क्या है, कंप्लीट फर्निश्ड है. और ये वाला जो रूम है ये मम्मी पापा का रूम है. एंट्रेंस से एंटर करते ही मम्मी पापा का रूम आ जाता है. इसमें आपको एक डबल बेड मिलता है, एक चेयर मिलती है और यहाँ पे LCD एंटरटेनमेंट के लिए. और साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें इनबिल्ट AC भी मिला है, फुल्ली फर्निश्ड टाइप ही है. और ये एक कबर्ड है, कबर्ड में शायद ना इसमें पापा का सामान पड़ा है, कुछ चीज़ें और भी पड़ी हैं जो पापा लेके आए थे, शेविंग टूल किट वगैरह, जो शेविंग किट वगैरह होती है. तो अभी आपको आगे दिखा देता हूँ, मेरा रूम भी दिखा देता हूँ और बाकी सब जो है कम्प्लीटली अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हुई है यहाँ पे. यहाँ पे आपको एक फ्रिज मिला हुआ है, वॉशिंग मशीन भी है, वॉशिंग मशीन मिली हुई है. और उसके साथ साथ कपड़े धोने के जो सुखाने के लिए होता है स्टैंड है, वो भी मिला हुआ है. अभी आपको एक बार पहले वॉशरूम दिखा देता हूँ. ये है इसमें वॉशरूम जो है, मतलब कॉमन वॉशरूम ही है. ये नहाने का एरिया है जो आपको मिलता है. अब देख लो, दैट्स इट. यहाँ पे आपको एक कमोड मिल जाता है. अभी आपको किचन वाला एरिया दिखा देता हूँ. ये एरिया है, देख लो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. ये आपको फ्रिज मिला हुआ है यहाँ पे. और ये सब चीज़ें हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. ये मैंने जो फ्रेश ऐप होती है अमेज़ोन की, उससे ऑर्डर किए थे, वो मंगवा लिया था. बाकी फ्रिज वगैरह मिला हुआ है. ये सामने है, दिखा देता हूँ आपको. ये किचन है और आपको इसका भी एक छोटा टूर दे देता हूँ. इसमें गैस स्टोव है, वो आपको मिला हुआ है. जो गैस की जो होती है कनेक्शन भी वो पाइपलाइन से ही है, तो वो भी मिला हुआ है. और यहाँ पे स्टैंड वगैरह ये पहले से था. ये जो चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह, ये कुछ हम लेके आए हैं.
आपको प्योरीफायर मिल जाता है, वाटर प्योरीफायर भी है यहाँ पे, एक फैन है, और ये कुछ इस तरीके से है किचन। आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ, इस टाइप से आपको किचन मिल जाती है। काफ़ी बड़ी है किचन भी। पापा हैं कहीं पर, यहाँ पे कुकिंग कर लेते हैं, चाय वगैरह बना लेते हैं, तो पापा हिसार गए थे तो वो ले आए थे, पैन वगैरह ले आए थे। बाकी यहाँ पे केटल भी है जिसमें आप खुद से ही बना सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो रूम है, आपको आइडिया हो जाएगा। साथ में ही है, एक ही वॉल लगती है। ये मम्मी पापा का रूम है, ये वाला मेरा रूम है। मेरा रूम भी दिखा देता हूँ अभी आपको, स्क्रीन लाइट ऑन कर देता हूँ। तो गाइज़ ये है, ये मेरे वाला रूम है, काफ़ी आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा ना, काफ़ी यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, बिल्कुल हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, आते रहते हैं क्लीन करने के लिए दो तीन दिन में, जब भी वो तो आप बुलाओ आपके ऊपर होता है। ये एक मेरे को टेबल मिला था यहाँ पे, था ये दूसरे रूम का, बट मैं इस रूम में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि मेरे को फ़ोन चार्ज पे लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, तो वहाँ पे चार्जिंग की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने टेबल इस रूम में शिफ्ट कर लिया था। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मेरा कुछ प्रमोशन का सामान आया हुआ है, मैंने यहीं का एड्रेस दिल्ली का, न्यू दिल्ली का ही एड्रेस दे दिया था, तो जो भी है प्रमोशन का सामान मेरा यहीं पर आया हुआ है। ये एक बैग है, और सेम मेरे रूम में भी एक एसी लगा हुआ है, फ़ैन है, बस दैट्स इट, यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक मिरर है रेडी होने के लिए। तो आई होप आपको जो जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वो एक छोटा सा टूर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आपने देख लिया होगा जो जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, ये है यहाँ पे मतलब फ्लैट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं। और बस दैट्स इट, ये आपको एक टूर करवाना था और कुछ अपडेट देनी थी, दैट्स इट। और बहुत जल्दी वीडियोज आएंगी, मतलब पेशेंस रखना प्लीज, जितना इतना ट्रस्ट रखा है भूलना मत, वो दो तीन सालों का जो चीज़ थी ना, जो विश्वास बनाए रखा था किसी के फेक एलिगेशन से, वो भूलना मत। ये जवाब सिर्फ उन्हीं को देते हैं, फैमिली मेंबर्स को, जहाँ पे इनको पता होता है कि हाँ वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब इनके नेबर्स ने करी है, सच्चाई बोल लिया है, मैं किसी से मिला नहीं हुआ, कसम से बोल रहा हूँ, बट उनको कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो एक सीसीटीवी का काम करते हैं, सामने ही रहते हैं, तो वो हर चीज़ बता सकते हैं आपको अच्छे से। तो बट वहाँ पे ये कोई जवाब नहीं देंगे, फैमिली को ही टॉर्चर करेंगे, फिर भी वहाँ पे बोलेंगे कि हम किसी को जवाब ना दो, शांत बैठ जाओ, यही होना चाहिए ना, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, फेक एलिगेशन जब लगाए जाते हैं। और आपसे इस वीडियो में ये एक और चीज़ पूछता हूँ मैं, क्या इस सिचुएशन में जहाँ पे भाई को मेरी ज़रूरत है, वहाँ पे मैं हिसार जाऊँ, हिसार जाके पापा को लेके आऊँ, या मैं भाई का टेक केयर करूँ? तो प्लीज़ हो सके तो इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। एक इंसान जो अपनी मर्जी से गया है, यहाँ से भाग गया है, उसको किसी ने बोला नहीं जाने के लिए, और वो वहाँ पे रुका हुआ है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मैं वहाँ पे गया भी फोर्सफुली लेके आया है, मतलब जिस इंसान ने ड्रिंक कर रखी है, तो मेरे ऊपर ही उल्टे एलिगेशन लगा देते हैं। ऑलरेडी आपने वीडियोस देखी होंगी कि कभी पुलिस को बुलाना, कभी कुछ करना, और ऑलरेडी उन्होंने तो सेफर साइड पापा को एक फ्लैट भी दिलवाया हुआ है, बोला हुआ है, फोर्स किया था पापा को कि पापा एक फ्लैट यहाँ पे खरीद लो, अब उनका तो घर है वहाँ पे। उस चीज़ में मैं हेल्पलेस हूँ, और अभी फिलहाल मैं भाई को छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि भाई का भी ध्यान रखना है, फुल डे होता है वहाँ पे, कभी मम्मी होते हैं और मैं होता हूँ, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो मैं ही जानता हूँ। तो फिलहाल मैं वहाँ पे नहीं जा सकता पापा को लेने, बस कॉल्स करवाऊंगा किसी ना किसी से और बोलूंगा कि प्लीज पापा जैसे ही ठीक हो, बेटर फील हो, तो पापा को यहाँ पे भेज दिया जाए। एनीवेज गाइस, मेरे को हॉस्पिटल जाना है वापस, तो बस मैं निकलता हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो बनाने आया था, वो भी कमिटेड डेट होती है, उस डेट को देना था, तो मैं आज पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको एक दो दिन में ये वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो के साथ, किसी अपडेट के साथ और सच के साथ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।